आवाज नहीं आ रही सैफ, आपका माइक जो है ना आपने म्यूट किया हुआ है, उसको म्यूट से हटाइए। हेलो गालिब भाई, हाँ जी कैसे आ रही हैं? आवाज आ रही? हाँ बढ़िया आ रही है ना आवाज? आ रही है आवाज? हाँ हाँ बढ़िया, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या चल रहा है किस हाँ तरह? बढ़िया, सब घर ही में सब लोग हैं, कैद हो गए एक तरीके से यहाँ पे हम हाँ ये लोग। तो है, मगर ये कैद इस वक्त जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कैद नहीं होंगे जी तो इसका क्या हाँ रिजल्ट निकलेगा वो आप और आपके और मेरे हाथ में नहीं है। बड़ा खतरनाक सिस्टम हो जाएगा अगर हमने इस और वक्त इसको। मैंने मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है जो है इस कानून का हाँ सबसे ज्यादा मतलब ब्रेक मुसलमानों ने ही किए कर रहे हैं, मतलब उनको जैसे कोई हाँ खौफ ही नहीं है उन। मैं आज भी एक हाँ वीडियो देख रहा था जिसमें जिसमें जो मुस्लिम्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और पीछे से पुलिस आई और पुलिस ने फिर उनको मारा भी है हाँ और सारा कुछ हुआ है, मगर मसला यह है कि इनको खुद क्यों इस बात की परवाह नहीं है कि जो है ना इस चीज को और सीरियसली। बाज लोग तो ये कहते हैं मतलब कुछ कहेंगे उन्हें समझाएंगे तो बोलेंगे करने धरने वाली जात तो अल्लाह की है, ये तबलीगी जमात वाले अक्सर यही जुमला रटते हैं, तो यही कह देंगे हाँ भाई अल्लाह को देना रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। इस बिल्कुल तरीके की बिल्कुल जहालत तो मुसलमानों में है, उसकी वजह से काफी हद तक इनमें बहुत फैल रहा है, होगा इनकी वजह से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, ये तो फैल और रहा है अब। एक मतलब एक जी कहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ अभी मुझे तो ये एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान वाले तो चले, पाकिस्तान वाले जो मुस्लिम्स हैं वो फिर भी थोड़े से मतलब जो है ना वो गवर्नमेंट से डर रहे हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, मगर इंडिया में तो ऐसा नजर आ रहा है कि एक बगावत नजर आ रही है, जानबूझ के एक बगावत कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो है ना ये बस गवर्नमेंट के खिलाफ चलना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। असल में एकदम केयरलेस है यहाँ के मुसलमान, ज्यादा केयर नहीं करते, बस अब अल्लाह के ऊपर ही छोड़ना है सब कुछ, वही इसी वजह से इन लोग इतनी परेशानियां हो रही है। और एक और सवाल था मेरा कि ये एक रूमर पता नहीं कैसे दुनिया जो है खत्म होने वाली है, दज्जाल आने वाला है, देखें ये ये रूमर तो, सुनते मुसलमानों ने, कौन सा वक्त था जब ये रूमर मुसलमानों ने नहीं फैलाया? ठीक है, दुनिया का कोई हो? वक्त ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस ने नहीं फैलाया, कोई ऐसा वक्त ऐसा नहीं या गुजरा, ठीक है, देखिए हर वक्त यही है। यहूदी एक आलिम ने भी पता है कहा था कि मसाया उन लोग का आने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर अब क्या किया जाए? इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आप ये जो सब कुछ है ये आपके हाथ में है और जो कुछ भी होना है वो आपके हाथ में है, अगर आपने इस चीज़ को हैंडल प्रॉपरली नहीं किया तो इन द एंड जो है आप ही नुकसान उठाने वाले हैं और आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके प्यारे जो हैं इसका नुकसान उठाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका एंड क्या होगा, इसका अंत क्या होगा, सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये कुछ तो कुछ भी ऐसी हालत देखें जो होती भी है बात तो करना चाहता है, मैं फिर से जैसे जैसे स्ट्रीम यार्ड में जगह खाली होती है मैं लिंक जो है वो चैट में पेस्ट करता रहता हूँ, तो आप लिंक पे क्लिक करके स्ट्रीम यार्ड में एंटर हो सकते हैं, फिर आप क्यू में लग जाएंगे और फिर मैं आपसे बात करूंगा। इंतजार भी करना पड़ सकता है क्योंकि काफी लोग हैं बात करने वाले। अक्सर ऐसे हालात होते हैं ना, तो सबसे पहले लोग सिर्फ मुसलमान नहीं बाकी और सारे मजहब भी यही सोचने लग जाते हैं कि जी कयामत आने वाली है या दज्जाल ईसा हाँ अलैहि सलाम बिल्कुल, आने वाले हैं, ये सब की शोशा छोड़ना शुरू करते हैं। और आज उनवान से मुतल्लिक ही सवाल पूछने हैं या कुछ और सवाल कर नहीं, सकते हैं? और भी करें और बात करें, कोई नहीं, अब ये तो हाँ साथ साथ चलेगा ना। हाँ मुझे सवाल एक पूछना था, वो है आइडोलेट्री से मुतालिक, मतलब ये मुसलमान जो हाँ करें शिर्क बात, और करें करें करें। बुत परस्ती है ना करते, तो एक तरफ मेरे को मेरी जो बुनियादी वजह थी इस्लाम छोड़ने की वो एक एक तो थी कि इतना फिरकेवारियत थी, दूसरी थी कि मुझे बहुत तोहम परस्ती मुसलमानों में नजर आई। मसलन मक्का में देखे जाए तो बिल्कुल मुझे तो लगता है बस स्टोन डेडिकेशन चल रहा है यहाँ पे, पत्थरों को चूमना, पत्थरों के साथ फेरे लगाना, और बहुत से मुसलमान तो पता है इसको मानते भी नहीं है, जैसे कि एक मुफ्ती अबुल लैथ पता है आपको, तो यूके का है, उसने तो नाम सुना हजरत हुआ है। हाँ उसने हाँ तो वो हजरे हजरत अस्वद को भी कहते हैं, हाँ ऐसे ही हजर फिरके हैं, वो उसने हजरे अस्वद को नहीं मानते बहुत सारे मुसलमान, जो कहते वो हैं हजरे अस्वद को मान चूमना भी जो है वो शिर्क है। उमना शिर्क है, क्योंकि ये कदीम जमाने में एक बुत हुआ करता था ये, अब सलफियों का और एक ऐसा भी नया फिरका है जो कि ये मानता है कि आप काबा भी ढा दें।
काबा को भी जो है लोग, बहुत सारे मुसलमानों ने काबे का भी इनकार कर दिया है कि भाई ये जिस तरीके से तुमने बनाया, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा कोई इंसान था? बिल्कुल बिल्कुल झूठ बात है। देखें, पहली बात तो यह कि इब्राहिम को आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टेंस उसका कहीं से साबित नहीं है, ठीक है, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि अगर आप इब्राहिम की हिस्ट्री को भी देखें ना सारी, और जो नस्लें कहती हैं अपने आप को कि वो इब्राहिम की नस्ल से हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो नॉर्दर्न अरेबिया में या पैलेस्टाइन इसराइल के इलाके में रहने वाले हैं। वो कोई भी इधर मक्का वाली, मक्का में ना तो वो कभी आया था। पहली बात यह कि इब्राहिम को अगर आप देखें तो वो रहता किधर था, बीर सभा में। बीर सभा जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर है यरूशलम से, ठीक है, और को वो पहाड़ मोरिया का पहाड़ जिधर बाइबल में लिखा है कि उसने कुर्बानी की थी अपने बेटे इसहाक की, वो भी तकरीबन उसी इलाके से तकरीबन मजीद कोई 100 किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर के फासले पे वहां से। तो ये जो मक्का वाली जगह है ये बीर सभा से बनती है तकरीबन तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर बनता है, ठीक है, वन साइड, ठीक है। तो वो ये बात जो है ना बैठती नहीं है कि वो यहाँ पे आया। और दूसरी बात यह है कि जब हाजरा को उसने निकाल दिया अपने घर से, तो हाजरा जो है वो मुसलमान कहते हैं जी दश्ते फरान में फिरने लगी। दश्ते फरान, इन्होंने दश्ते फरान जो है मिडल ऑफ अरेबिया बनाया हुआ है, और बनी इसराइल के मुताबिक या फिर तारीख की किताबों के मुताबिक, जो एक हिस्ट्री है उसके मुताबिक, जो फरान का विल्डरनेस ऑफ फरान जो है वो कहाँ बनती है, वो बनती है तकरीबन बिल्कुल जो दश्ते सीना है उसका बिल्कुल नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो दश्ते फरान बनता है, और वो इस्माइल भी जो कहते हैं वो वहीं पर रहता था, ठीक है। और फिर एक और बात है कि अगर आप ये देखें कि फिर बाइबल में बड़ी जगहों पे उस वादी का जिक्र है, बका जिसको कहते हैं, वादी बका जो है वो रोने की जगह, और रोने की जगह नबी मोहम्मद बक्का से थे या मक्का से, मतलब पेट्रा से थे, या ये कहते मक्का बहुत बाद में बनाया गया था, क्या ये सही है? मक्का का तो है इस बारे में तो बहुत ज्यादा है कि ये बाद में ही बनाया गया मक्का, क्योंकि पेट्रा जो है उधर एक तो जल्जले बहुत ज्यादा आ रहे थे, दूसरी बात है गजा की जो पोर्ट थी वो हो गई थी बंद, ठीक है, और गजा की पोर्ट के बंद होने की वजह से बेसिकली पेट्रा जो है ना एक वो हो गया था, क्या उसको कहते हैं, एक तरह का मतलब एक यूजलेस सिटी बन गया था वो। फिर दूसरी बात है कि नबतियन रिलीजन जो है वो भी बहुत ज्यादा उसको डिक्लाइन आ गया था क्रिश्चियनिटी के फैलने की वजह से, इस वजह से भी पेट्रा जो है क्या हुआ था वो उस तरह से उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही थी। फिर जो है ना 547 में पेट्रा में एक जलजला आया था बहुत बड़ा, ठीक है, सॉरी 551 में पेट्रा में आया था जलजला, ठीक है, बैरूत उसका था एपी सेंटर, उसकी वजह से भी पेट्रा में बड़ी तबाही हुई थी। फिर 647 में एक और जलजला आया था जो कि गलील की जो झील है वहां पे उसका एपी सेंटर था, और उसने भी पेट्रा को तबाह कर दिया था। इस वजह से या तो स्ट्रेटेजिक वजह से इन्होंने पेट्रा को वो क्या कहते हैं बैडन कर दिया और ये मक्का ले आए हजरे अस्वद को, दूसरी बात यह भी हो सकती है, मुझे तो ये लगता है कि ये रिलीजन जो है बेसिकली हैबाद की फैब्रिकेशन है सारी, तो इन्होंने सब कुछ शुरू ही बाद में किया और बाद में इन्होंने मक्का एस्टेब्लिश किया, और मोहम्मद नाम का कोई शख्स तो जरूर था मगर जितनी भी उसकी हिस्ट्री है ये किसी बाद में लिखी गई है, और कुरान जो है कुरान बेसिकली अगर आप देखें तो कुरान मोहम्मद को, मेरे ख्याल है मोहम्मद का नाम कुरान में बहुत कम बार आया है, कितनी बार आया अब ये मेरे ज़हन ख्याल है 1 बार है या 5 बार है, 4 बार है, 3 बार है, 1 बार अहमद है। तो ये जो बात है ना, दूसरे नबियों का नाम बहुत ज्यादा आया है, ईसा का नाम मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा दफा है, और फिर मूसा का नाम है को 25 दफा, ठीक है, इस तरह बाकी लोगों के नाम बहुत ज्यादा है, और मोहम्मद का नाम जो है वो बहुत कम, बहुत ज्यादा कम है। तो बेसिकली ये इसी तरह जिस तरह बनी इसराइल का था कि उनकी जो बुक्स हैं बेसिकली वो उनके पुराने मिथ्स थे जिनको किसी टाइम रिटन फॉर्म में ले आया गया, तो कुरान जो है बेसिकली ये भी लगता है कि मुख्तलिफ कबीलों की जो है ना वो रिलीजियस मुख्तलिफ लोगों ने लिखा रहेगा, इकट्ठा करके इन्होंने इसको कर दिया। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह एक तरफ, अब कुरान में ही आप देख लें कि अल्लाह जो है अपने लिए खुद ही सेकंड पर्सन यूज कर रहा है, बेशुमार जगह सेकंड पर्सन अपने लिए यूज कर रहा है, ठीक है, क्या अजीब सी बात,
एक अजीब सी बात जो मुसलमान अक्सर कहते हैं कि यू नो कि ये साबित करने के लिए कि कुरान जो है ये इल्हामी है, वो ये कि उसके अंदर जो बलागत है वो इंसान से पॉसिबल नहीं है। अब ये तो मैं तो नहीं ये टेस्ट कर सकता। मतलब देखें एक बात है ना, एक बात मेरी याद रखें, एक बात है कि अगर आप बलागत को बहुत बड़ी दलील के तौर पे लेते हैं तो जिसकी नेटिव लैंग्वेज अरबिक नहीं है उसको उस बलागत से क्या लगे। अब आप मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता, स्पेनिश में कोई कितनी भी अच्छी पोएट्री कर ले तो मुझे उससे क्या, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है ना। बात ये है कि बलागत की अगर आप बात करते हैं यहाँ तो उसमें कोई ऐसी चीजें लिखी होती जो कि ऐसा नॉलेज कोई होता जो आज हम डिस्कवर, मतलब ऐसा नॉलेज होता कि हमें, मतलब क्या कहते हैं, आज भी हम उस पर आशाश करते कि भाई जो बात इन्होंने बता दिया उन्हें, वो उसमें वही उस वक्त की बातें हैं, उसी वक्त के किस्से हैं, उसी वक्त की कहानियां, जो गलतियां यहूद नसारा ने की हैं वही जो बाइबल में गलती है वही वो कुरान में भी वही गलती है, ठीक है, जो तौरात में गलती है वही कुरान में भी है, जो यहूदियों के मिथ्स थे वही मुसलमानों के भी हैं, उनके मिथ्स जितने अनबिलीवेबल थे उतने इनके अनबिलीवेबल हैं, जैसी उनमें गप्पें बड़ी बड़ी छोड़ी गई थी वो इन्होंने भी छोड़ी हैं। तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने कोई जो है ना इनका जो सोफिस्टिकेशन का लेवल है उनसे ऊपर है, बल्कि इनका सोफिस्टिकेशन का लेवल उनसे कुछ नीचे है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक स्लेवरी जो है ना वो मेरा बड़ा कल्मिनेशन पॉइंट है रिलीजन के खिलाफ हमेशा से, मतलब मुझे मेरा रिलीजन को छोड़ने में, आपने इस्लाम छोड़ने का आपने कहा था स्लेवरी के वजह से मेनली आप छोड़े, राइट? मुझे इस्लाम छोड़ने के बाद मुझे स्लेवरी के बारे में पता चला, इस्लाम मेरे को लगा था ये हराम है इस्लाम में, मैंने शुरू से ये, बाद में मेरे को पता चला जब मैंने अब्दुल्ला समीर ये सब लोगों के वीडियोस देखे तब मुझे पता चला नहीं भाई ये स्लेव जो है ये आप रख सकते, ये आपकी विरासत है, आप इसे बेच सकते, ये सब तो मुझे बाद में पता चला ये सब। अच्छा अब जरा मेरी बात गौर से सुने कि यहूदियों में ना गुलामी के बारे में एक कानून था। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस्लाम के केस में जो है ना आपको डाउनग्रेडेशन नजर आती है, यानी आपको चीजों को बल्कि मजीद बुरी होती नजर आती है इस्लाम के केस में। यहूदी जो था ना, यहूदी अगर वो किसी गुलाम को खरीदता था तो उनमें ना सबत का दिन ही नहीं होता था, सातवां दिन ही सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि जिसको उन्होंने मतलब आराम कर रहे हैं और खुदा की इबादत करनी है, सातवें साल वो हर गुलाम को आजाद कर देते थे। यानी अगर आपने गुलाम लिया तो सातवें साल आपने उसे आजाद कर देना, ठीक है, फिर उस गुलाम की चॉइस है कि वो आपको छोड़ के जाना चाहता है या नहीं। अगर वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता तो आप क्या करेंगे, आप बालियां बनवाएंगे और कड़े बनवाएंगे और उसके हाथों में कड़े डाल देंगे और कानों में बालियां डाल देंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा कि यह पूरी उम्र के लिए आपका गुलाम है और वो उसकी चॉइस है, ठीक है। इस्लाम में ये चीज नहीं, ठीक है, मतलब उनमें ये चीज थी कि वो सातवें साल गुलाम को आजाद कर देते थे, कोई भी हमेशा गुलाम नहीं रहता था। इस्लाम में ये चीज नहीं है, बल्कि रसूल, ऐसी भी हदीसें हैं कि रसूल को पता चला कि फलां शख्स जो था वो मर गया और जी उसने अपने गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया था, तो रसूल ने क्या किया, उन गुलामों को वापस गुलाम बना के और उन्हें कहा कि भाई इसका कर्जा रहता था तो कर्जा अदा करो जी इन गुलामों के जरिए से, फिर या उसने मिरास में उनको दिलवाया, फिर रसूल ने कहा कि अगर गुलाम भाग जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, ठीक है, उसका हज कबूल नहीं होगा, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, उसे वापस जाना है, ठीक है। इस्लाम में ये चीज है, मगर यहूदियत में जो है एक इससे अच्छा स्टेप था कि सातवें साल कम अज कम वो गुलाम आजाद तो हो जाता था ना। अब इस्लाम में तो जो गुलाम बना लिया फिर वो बिकता रहेगा, वो पूरी जिंदगी के लिए गुलाम है, आजादी आजाद कर सकते हैं, ये गुलामी से आजादी भी इस्लाम कबूल करने के लिए एक लालच के तौर पर पेश करते थे लोगों को कि जी रसूल ने और अबू बकर ने बड़े गुलाम आजाद करवाए और वो मुसलमान हो गए, ठीक है, मगर जब इनके पावर में आ गए तो उसके बाद आपको हदीसों में आगे पीछे जिक्र बहुत कम ही मिलता है कि इन्होंने कोई गुलाम आजाद किए हो, ठीक है, उमर के जो गुलाम थे वो उमर के गुलाम ही रहे, ठीक है, अबू बकर के जो गुलाम थे गुलाम ही रहे, बाद में इस्लाम से पहले मक्का में ये गुलाम आजाद करते रहे, जैसे इन्होंने बिलाल को आजाद कर दिया, फिर इन्होंने सलमान फारसी को आजाद कर दिया, बाकी इन्होंने बाद में मदीने में इन्होंने बहुत कम जिक्र मिलता है कि इन्होंने कोई गुलाम आजाद किया हो, सारा का सारा जो है मतलब ऐसे ही इन्होंने किया रखा जी। अच्छा एक और आखिरी सवाल पूछना था, ये जमजम से मुतल्लिक है कि ये क्या है, ये कोई स्कैम है या कोई, मुसलमान बोलते ये एक इनफाइनाइट मतलब हमेशा से ये कुआ है और हमेशा से इसके अंदर जो रेगिस्तान के बीच में से पानी निकल रहा है, तो ये जमजम का आपको कुछ मालूम है इस पर बारे में,
इस जमजम का क्या है, कुछ लोग कहते बाइबल में भी है जिक्र, नहीं तो बाइबल में कोई जिक्र नहीं है जमजम का, ऐसा ही बंदा कहे ठीक है, बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, बाइबल में जमजम का जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये याद रखें कि जमजम का पानी इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है ये बात आप छोड़ दें। हाँ एक बात है कि वहां पे पानी उसमें से बहुत ज्यादा निकलता है। फिर मुसलमान कहते हैं कि ये पानी पाक है और जी इसमें कोई जरासीम नहीं जिंदा रह सकता, ये है वो है। ये भी याद रखिए कि आज जमजम के पानी के ऊपर वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो उसको साफ करते हैं तब लोगों को पीने को देते हैं। क्यों उन्होंने लगाए हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, अगर 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 तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो पानी को क्लीन करने का तरीका है, ठीक है, अगर तो जमजम का पानी 100% सेफ होता, बिल्कुल क्लीन वाटर होता, उसमें कोई जर्म्स ना होते, तो उन्हें आरओ प्लांट उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं थी। इवन के ये चीजें भी बार बार सामने आती रहती हैं मीडिया में, आप गूगल करके देख लें, जमजम के पानी में आर्सेनिक की जो मकदार है वो ज्यादा है, और आर्सेनिक आपको पता है, आर्सेनिक आपको पता है कि आर्सेनिक जो है एक सबसे ज्यादा डेंजरस एलिमेंट्स हैं, अगर उसकी मकदार एक हद से ज्यादा हो जाए किसी के अंदर तो इंसान जो है वो बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की पॉइजनिंग करता है। तो जमजम का वेल जिसके बारे में सौ किस्म की बातें करते हैं वो गलत बात है, और दुनिया में ये अकेला वेल ऐसा नहीं है कि जिसका पानी जो है कभी खत्म नहीं हुआ, या चश्मा ऐसा नहीं है जिसका पानी बहुत जगह देखें, याद मेरी बात रखें, रेतला जो इलाका है ना वहां पे पानी बहुत जल्दी नीचे सीप कर जाता है, और एक्विफर्स होते हैं नीचे, आप हाइड्रोजियोलॉजी पढ़े ना अगर तो आपको पता चलेगा कि नीचे जो बेड रॉक होता है उसने पानी कहीं ना कहीं जमा करना ही होता है, ठीक है जी। अगर आप उस एक्विफर के अंदर वेल खोद लेना तो आपको बहुत अच्छा पानी मिलेगा। दुनिया सारी में आज जो वेल के लिए सर्वेज होते हैं, मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं, पूरी साइंस है एक जी। क्योंकि मैं तो जियोफिजिस्ट हूं तो मुझे तो पता है कि ये किस तरह से होता है, और मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं, फिर आप एक्विफर को मैप करते हैं, फिर आप वहां पे ड्रिल करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन वेल मिलेगा वहां पे, आप इससे अच्छे वेल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप नीचे पानी जो है ऊपर ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से पानी नीचे, जितना आप डीप ड्रिल करेंगे पानी नीचे, ऐसा भी होगा कि किसी जगह ओवरबर्डन प्रेशर इतना ज्यादा कि पानी नेचुरली ऊपर आने लगेगा, सिर्फ आपको वहां पे वेल ड्रिल करने की जरूरत है, ठीक है। तो जमजम जो है बेसिकली एक वेल है, ये कोई फाउंटेन नहीं है, पानी खूब आ रहा है, ये वेल है, ठीक है। और सहराओं में जाहिर बात है बारिश चाहे जितनी भी थोड़ी हो वो पानी बहुत जल्दी रेत में सीप कर जाता है, जब वो नीचे जाता है तो उसने किसी ना किसी जगह जाके इकट्ठा होना ही होता है, और किसी भी बड़े रेगिस्तान में आप देखेंगे चाहे साल में 2 मिलीमीटर बारिश क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको ऐसा वेल या आपको ऐसा वेल मिल जाएगा जिसमें पानी जो है वो सारा साल आपको मिलेगा, क्योंकि वो सारे का सारा उस इलाके का पानी इकट्ठा होके उधर जाके नीचे जो जमीन के नीचे बेसिन होता है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस गालिब भाई एक खाली है, और आपने एवोल्यूशन के बारे में, मैं एक वीडियो आपका देख रहा था कल, तो अच्छा। आपने कहा था कि वो जैसे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस जो होते हैं ना इनको इंसानों की जरूरत लगेगी वरना ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके जो इनके जो नाखून काटने पड़ते हैं, उनके जो शूज बढ़ जाते हैं। तो मेरा सवाल था कि जब इंसान मौजूद नहीं थे, जब मतलब होमो सेफियंस नहीं थे, तो ये घोड़े तो बहुत टाइम से चले आ रहे होंगे, तो फिर ये सर्वाइव कैसे कर गए, मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में आया। ऐसे करते थे ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने कभी कुत्ता रखा हो ना, कुत्ता आपको कुत्ते के नाखून काटने पड़ते हैं, अगर आप कुत्ते के नाखून नहीं काटेंगे ना, कुत्ता क्या करता है वो खुरचने लगता है चीजों को जाके, बिल्ली भी खुरचने लगती है पत्थरों को खुरचेंगे जाके, खास तौर पे वो उससे अपने नाखूनों को करते हैं। मगर ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना, इनमें ये मसला है कि इनको ये चीज भूल गई होती है, ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। नहीं मैं जब इंसान नहीं थे तब तो इनके नाखून काटने था ना कोई, तो ये खुद घिसाते थे ना पत्थरों के साथ। और एक और भी मेरी बात याद रखें, वाइल्ड एनिमल की जो जिंदगी है ना वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से कम होती है, समझे मेरी बात। तो वाइल्ड एनिमल्स में जैसे ही किसी का हूफ थोड़ा सा खराब होना शुरू होएगा ना, उसे कोई ना कोई जानवर खा जाएगा, समझ गए। फर्ज करें ज़ेब्रा है ना, उसके उसके पांव में चोट लग गई अगर, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव, उसे तीसरे दिन चीता खा जाएगा, उसे तीसरे दिन शेर खा जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन फिर ऐसा काम करती है ना, इसलिए वो सर्वाइव कर नहीं सकते, वहां पे सिलेक्शन हो के वही जानवर जिंदा रहते हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोज ब्रीडिंग कर रहे हैं इन एनिमल्स की, इनमें से वो भी
वो भी जिंदा रहते हैं बहुत लंबे अरसे तक, जो कि नॉर्मली वाइल्ड की सिचुएशन में जिंदा रहेंगे ही नहीं, जिनके हूफ्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमें और उनके हूफ्स जो हैं वो एक एक फुट लंबे हो सकते हैं, टर्न हो सकते हैं बिल्कुल आगे की तरफ हो रहे हैं। आप देख लीजिए पूनीज का वीडियो मैंने देखा। अच्छा, अब क्या है, आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से आपने जानवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, आप उसके हूफ्स काट रहे हैं, ठीक है, उसका वो जीन जो है वो खराब जीन भी पॉपुलेशन के अंदर आए जा रहा है, ठीक है, इस वजह से वो आ रहा है। अगर इन्हीं सारी दुनिया के हॉर्सेस आप इकट्ठे करें और इनको आप जंगल में छोड़ दें जहां पे शेर भी हों और चीते भी हों, हर किस्म का प्रेडिटर हो, तो फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा जिसका भी हूफ खराब होगा वो सिलेक्ट होता जाएगा, वो खाता खाया जाता रहेगा, उसे रिप्रोडक्शन का मौका कम मिलेगा। फिर क्या होगा, वो वाला जीन जो के हूफ इतने लंबे नहीं होने देता, वो वाला जीन जो है वो सिलेक्ट होएगा बार बार, और उन उन जानवरों को ज्यादा रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा जिनके हूव्स इतने लंबे नहीं होते, और फिर इन द एंड क्या होगा, ये लंबे हूव्स होने वाला सिलसिला जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन विद इन 1000-2000 ईयर्स ये काम दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इसको कर देगा। मगर क्योंकि इंसान ने इस तरह, बात यह है कि एक बैड जीन जो है अगर एक हॉर्स के अंदर है, इंसान क्योंकि उसकी हिफाजत कर रहा है, इंसान उसको खाना दे रहा है, इंसान उसके हूव्स काट रहा है, तो वो जीन भी सिलेक्ट होता जा रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जीन एग्जिस्ट करता जा रहा है हॉर्सेस के अंदर, ठीक है, मगर नॉर्मल सिचुएशन में, उस तरह की सिचुएशन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा हॉर्सेस के अंदर। तो ये सिस्टम है, शुक्रिया गालिब भाई, मैं किसी और से बात करता हूँ, ठीक है, करेंगे फिर बात आपसे दोबारा, ओके। अगर आप मेरी वीडियोज को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।